हाय एवरीवन मी आई एविडीबन इसमें यूर वॉचिंग वेलकम बैक टू द चैनल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूं हुँ, अच्छे होंगे खैर खैरियत से होंगे एंजॉय कर रहे होंगे आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे उसमें इंटरेस्टिंग वाला कुछ सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं है एक तरफ है ब्लू पासपोर्ट यानी इंडियन पासपोर्ट और एक तरफ है ग्रीन पासपोर्ट यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट और ग्रीन पासपोर्ट जो है वो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है यानी जितनी पासपोर्ट की लिस्ट है ना उसमें सबसे कमज़ोर जो आखिरी चार ममालिक हैं उनमें हमारा नाम शामिल है तो आप समझ लें कि हमारा कितना हाल ख़राब है तो देखते हैं जितनी टाइटल कुछ ऐसे है कि ब्लू पासपोर्ट की इतनी इज्जत और ग्रीन पासपोर्ट देखते ही बंदा गायब यानी मोस्टली यही होता है हमारे लिए ना पाकिस्तानी जब कहीं लाइन में लगते हैं इमिग्रेशन पे इंटरनेशनल में तो आ, फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो अच्छा पाकिस्तान है सर आपके लिए स्पेशल लाइन है हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है वीआईपी प्रोटोकॉल होता है आठ दस कुत्ते ला के हमें अच्छे से जो है ना सूगा जाता है कि कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही अच्छी एक एक जगह की एक एक कपड़े की एक एक आप कह लें कि अच्छे से कहते हैं जाम तलाशी वो ली जाती है और फिर चार पाँच घंटों की बात जो है ना पाकिस्तानियों को कहा जाता है ओके अब आप जा सकते हैं देखो प्रोटोकॉल <laughs> चलो कोई बात नहीं आ, वीडियो देखते हैं और उससे पहले ईद की बड़ी मुबारकबादें आज ईद का दिन है तो शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों 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 हिंदुस्तान स्पेशल में आप सब्सक्राइब कर लो जैसा कि आपने क्लिप पे देखा पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कोई थूकता नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान मीडिया यह बता रहा है कि भारत के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू है लेकिन हरे पासपोर्ट को कोई नहीं पूछता कहीं भी खराब पासपोर्ट दिख जाए उसे अंदर सिक्योरिटी को चेकिंग के लिए बुला लिया जाता है ऐसा ही एक बदलाव नहीं हुआ पिछले साल भी यह दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट था इस साल पाकिस्तान की रैंकिंग 106 है पाकिस्तान से नीचे सीरिया इराक और अफगानिस्तान है भारत की रैंकिंग की बात करें तो पिछले साल 87 नंबर पर था लेकिन इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह 85th नंबर पर पहुंच गया है पाकिस्तान दुनिया में आतंक के नाम से मशहूर है इसीलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की छवि भी उसके जैसी है उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना अपनी गर्ल्स को पाकिस्तानी मैन से जैसे देखना है, है।, है क्योंकि UK उसमें आपको पता है एक आ जाता है सेक्सुअल एंड सेकंड जो चीज आती है वो है ग्रूमिंग गैंगिंग तो इस बारे में क्योंकि आप लंदन में हैं और आप बहुत से पाकिस्तानियों से मिलते हैं जुलते हैं कहीं पे भी आ, आ, अगर हम देखें कोई ऐसा हालात होते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जहाँ पर बात आती है या कोई गलत एक्टिविटी की बात आती है तो पाकिस्तानियों का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होता है हमने देखा टर्की से कंपनी चली गेट आउट पाकिस्तान ग्रीस से चली गेट आउट पाकिस्तान यूएई से चली चौदह सिटीज बैन कर दी गेट आउट पाकिस्तान वजह जानने की कोशिश करेंगे आपसे देखिये शाला जी अब मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा किसी मुल्क के किसी भी सिटीजन की बट ये चीज बिल्कुल फैक्ट है आप मुझे छोड़िए आप तो, 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 किसी भी कंट्री में रहने वाले किसी भी नेशनल जो वहां का सिटीजन है उससे पूछ ले पाकिस्तानी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब खराब है लुटन लंडन के बाहर है एक्चुअली आउटकट्स में है जैसे जो इंडिया में लोग रहते हैं उन्हें पता है दिल्ली के बाहर में जैसे गुड़गांव है या बहादुरगढ़ है वो ऐसे आउटकट्स में आता है लंदन के लूटन करके एक जगह है मैं वहां पे मुझे बहुत साल हो चुके लंदन में रहते हैं मैं वहां लूटन सिर्फ दो बार गया हूँ क्योंकि बहुत दूर है हमारे घर से जहा मैं रहता हूँ और दो बार में जब मैं गया एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ था एक बार मैं अपने, अपने कजन के साथ था सही, तो मेरे कजन ने मुझे ये बोला था कि अपना फोन अंदर रखना और कोई भी तुझे रोकने की कोशिश करे रुकना किसी भी नहीं, में रुकना नहीं है यहाँ पर तो मैंने कहा ऐसा क्या रहा यार ये पाकिस्तानी नेबरहुड है छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं मैडम जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे जिनके मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं आई है ठीक है नौजवान सप्लाई कर रहे हैं मैंने मैंने अपनी आंखों से देखे जो बंदा जहाँ पे रहता है ना उसको पता लग जाता है जो जैसे एक्ट करता है रिएक्ट करता है कि ये क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आप न्यूज़पेपर की एड तो न्यूज़पेपर की न्यूज तो सिर्फ पाकिस्तानी इंडिया में छपती ना आप इंटरनेट की न्यूज पढ़ना कभी अभी लास्ट मंथ की बात है यहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़के ने एक मदर और बच्ची को स्टैप किया है आई थिंक उनको चाकू से मारा है ठीक है अभी लूटन की जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे दो पाकिस्तानी आदमी है मैं आदमी भूलूंगा एक की दोनों की एज चालीस से ऊपर है वो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं जिन्होंने की ड्रग्स स्मगल करके यहाँ पे लेके आ रहे थे देख लो इनके एक और जगह बताता हूँ यूके में ब्रेडफोर्ट करके नाम है जगह का हाँ। वहां पे वहां पे आपके पाकिस्तानी भरे हुए हैं ठीक है वो मतलब वो उनका गढ़ है वो जगह बेहद बदनाम है ये मैं नहीं बोल रहा है ये आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना यूट्यूब पे वीडियोस देखना उनकी तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं एक और किस्सा सुनाता हूं आपको छोटा सा अगर आप मुझे इजाजत दे तो जी जी प्लीज मैडम मैं 2013 में ना अमेरिका गया था घूमने के लिए अच्छा। अपने दोस्त के साथ मैं शिकागो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था ठीक है और मेरे अब अब जैसे होता है ना कि आप जब इमिग्रेशन करते हैं इमिग्रेशन के बाद आप जैसे जैसे चलना अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो या नेशनल ट्रैवल किया हो तो आपके पैरलर में एक और लाइन भी चलती है लोगों की ठीक है सिक्योरिटी चेक में जाने के बाद में मेरे से नेक्स्ट लाइन में एक तो उतना आपके बंदा एक पीछे है एक आगे है और एक टरनल में लाइन चलती है वो बंदा आगे है पीछे है mm. उस बंदे को अच्छा खासा इंसान था ठीक है उस टाइम में मैं बोलूं 2013 में करीब-करीब वो 50 से ऊपर का था ठीक है mm. Mm. और उस बंदे को मतलब देखने में मैं भी एशियन हूं वो भी एशियन है ठीक mm. है किसी को कुछ नहीं पता जैसे ही पासपोर्ट उसने वहाँ पे टेबल पे रखा और मैंने टेबल पे रखा तो सामने वाले का रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था कैसा जमीन आसमान का देखे ग्रीन पासपोर्ट और ब्लू पासपोर्ट में बहुत फर्क है ठीक है तो इंडियन तो मैं भी हूँ ना लेकिन जैसे ही उस बंदे ने पासपोर्ट रखा उसको वो बंदे ने दूसरा क्वेश्चन ही नहीं किया कुछ किया है जब तक उसने हाँ। पासपोर्ट रखा था था वो स्माइल से कर रहा था, सब कुछ कर रहा सब जैसे ही उसने बोला शो मी योर पासपोर्ट उसने वहां पासपोर्ट टेबल पे रखा है और वो उसने पता नहीं क्या किया यूं बटन दबा के दूसरा बंदा आया और वो उसको विद विद इन इन विदिन विदिन वो उसको उस लाइन से निकाल के पता नहीं कहां ले गए

जितने भी लोग हमारे यहाँ ख़ास तौर पर लेबर जो बाहर जाती है या फिर जो काम की तलाश में बाहर जाते हैं उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो एजुकेटेड नहीं होती ठीक है उनके पास एजुकेशन नहीं होती एजुकेशन uh, नहीं होती तो उनकी साइकी वही होती है जो वो अपने नेबरहुड में रहते हैं जिस तरह के नेबरहुड में रहते हैं आपको पता ही है जो हर कहते हैं वो यहाँ कर रहे होते हैं आवारा लोगों वाली वो वहीं वहाँ जा करते हैं और बल्कि डबल हो जाते हैं यहाँ पर चलो माँ बाप भाई बहन उनका थोड़ा ख्याल होता है कि घर वाले जो हैं थोड़ी लान तान करते रहते हैं वहाँ पे वो खुले खुले सांड हो जाते हैं और जो भाई उसे छेड़ दिया जो कर लिया ये कर लिया वो कर लिया अपनी तो उनकी इज्जत होती नहीं है जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है उसके भी वो ऐल लगाते हैं और जैसे इन भाई साहब ने कहा ना कि जो पाकिस्तानी नेबरहुड्स हैं वो तो मशहूर हैं लंदन में और यूके में कि जनाब ये ये इन्होंने आँख में दम किया हुआ एग्ज़ैम्पल है जी आप देख लें कि नवाज़ शरीफ की रेजिडेंस है एवन फील्ड में अब एवन फील्ड पूरा जो नवाज़ शरीफ का नहीं है वहाँ पर एक अपार्टमेंट उसका है उसका या उसके बेटे का है और पूरी एवन फील्ड की जो स्ट्रीट है वो तंग आई हुई है क्योंकि जो पी टी आई के सपोर्टर्स हैं जो कि हैं तो पाकिस्तानी वो रोज़ वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने लाउड स्पीकर हाथ में उठाए होते हैं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं गालम गलो शोर शराबा आप कह लें कि दिन में भी सुकून नहीं है रात में भी सुकून नहीं है और नवाज़ शरीफ को तो पता नहीं कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं वो शायद एयरबड्स लगा लेता तो होगा एम एन फील्ड के जो बाकी लोग हैं वो आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई हटो यहाँ से ये तुम तुम्हारा पाकिस्तान ही है कि तुम आके शोर डाल रहे हो और अजीब अजीब हरकतें करते हैं हरासमेंट करते हैं सेम कॉज फॉर जमायमा जमायमा गोल्ड स्मिथ जहाँ पे रहती है वहाँ पर नून लीग वाले पहुँचे हुए होते हैं और यही हरकतें करते हैं तो ओवरऑल ये अपनी पॉलिटिक्स जो कि यहाँ पे गंद मचाते थे ये वहाँ जाके भी वही गंद मचा रही ये तो होगी चलो पॉलिटिक्स की बात लेकिन पाकिस्तानी जो एक ओवरऑल एक हमारा बन चुका है ना हमारे बारे में एक लोगों का माइंड सेट वो यही है कि ये सारे चोर हैं ये सारे रेपिस्ट हैं ये सारे डाकू हैं स्मगलर्स हैं और जहाँ कहीं भी आप पाकिस्तान का जैसे ही दिखाते हैं ना पासपोर्ट आपको अगर कोई बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं ना क्योंकि आपने अच्छी वेल ड्रेस हुए हुए हैं आप अच्छे से बात कर रहे हैं एजुकेटेड हैं लेकिन जैसे ही वो आपको पासपोर्ट देखता है टोर ही बदल जाती है बंदे की और वो कहते हैं चल पुत्र चल वो आ जाते हैं अपने उस पर जैसे इन्होंने वीडियो में बताया कि वो जनाब जब तक पासपोर्ट ही दिखाया था बड़ा अच्छा था और जैसे ही पासपोर्ट दिखाया वो बंदा गायब तो ये है इफेक्ट है ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमारे एक कलीग हैं मेरे टीचर भी रह चुके हैं कुलीग भी रह चुके हैं वो गए सऊदी अरब जो है ना उमरे का इरादा करके तो पहले उन्होंने मतलब आपको पता ही है उमरे वाले का हुलिया कैसा होता है आराम वगैरह बांधा हुआ था तो बड़े अच्छे अच्छे से ना ट्रीट कर रहे थे इमिग्रेशन वाले फिर पासपोर्ट उन्होंने देखा तो वो फिर वही जिस तरह से बाकी पाकिस्तानियों को ट्रीट करते हैं तो तड़ाक करके फिर उन्होंने जो है ना पासपोर्ट के साथ जो अपना आईडी कार्ड था मतलब जो ऑफिस आईडी था यानी टीचर हैं जिनाब में वो दिखाया ना तो दैन उसने बड़ी इज्जत की कि हाँ अच्छा आप तो टीचर हैं तो वो कहते हैं भाई इतनी इज्जत मुझे मेरे पासपोर्ट और नेशनलिटी से नहीं मिली जितनी मुझे उसने प्रोफेशन की वजह से इज़्ज़त दे दी तो ये है ये फैक्ट है और इसको ठीक करने में, में मेरे ख्याल में सालों लग जाएंगे और उसके लिए ज़रूरी है पहले हम पैसे से कॉम सही हो जाएँ तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों बाहर जाते हो तो ये मत समझा करो कि तुम एक अकेले फ़र्द हो तुम बाहर एज आ पाकिस्तानी जाते हो और जब तुम कोई हरकत करते हो तो पूरे पाकिस्तान को गालियाँ पड़ती हैं वैसे भी पड़ती रहती हैं हमारी हरकतें ऐसी हैं लेकिन उस टाइम ज़्यादा पड़ती हैं तो ख्याल किया करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा सी यू गाइस